तो भाई आज हमारे पास है डिजीमोर का कंडेंसर D440 माइक्रोफोन एंड चलो इसे सेटअप करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको इसकी डेस्क माउंट फिट करनी है, देन उसके ऊपर ये बूम आर्म फिट करनी है एंड फिर ये शॉक माउंट लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर लगेगा हमारा डिजीमोर का D440 कंडेंसर माइक्रोफोन। अब आपको इसके साथ जो पावर केबल मिली थी उसे माइक में लगा के साउंड कार्ड से कनेक्ट कर लेना और इस बटन को 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस करके इसे पावर ऑन कर लेना। एंड एक चीज आप ये मेक श्योर कर लेना कि आप ये सारी केबल्स को फुल्ली इंसर्ट करो। फिर माइक, बैकग्राउंड ट्रैक और मॉनिटर कंट्रोल नोब्स को फुल कर देना एंड साउंड कार्ड यूज करने से पहले उसको एटलीस्ट 30 मिनट्स चार्ज कर लेना। अपने कंडेंसर माइक को लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करने के लिए आपको इस साउंड कार्ड में दिए हुए कंडेंसर माइक पोर्ट से कनेक्ट करना है। देन आपको अपने लैपटॉप या पीसी के यूएसबी पोर्ट में टाइप A to C केबल को लगा लेना है एंड फिर ये माइक आपके पीसी में शो हो जाएगा। बट इन केस अगर आपके पीसी में ये माइक शो नहीं होता, देन आपको अपने पीसी पे कंट्रोल पैनल को ओपन करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है साउंड। देन इस साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रिकॉर्डिंग वाले टैब पे जाना है एंड देन वहाँ पे आपको D220 माइक्रोफोन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको सेट एज डिफॉल्ट करके ओके कर देना है एंड देन फिर आपका माइक्रोफोन कनेक्ट हो जाएगा। एंड लाइव मॉनिटरिंग के लिए आप अपने हेडफोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। हेडफोन्स पे अटैच होने वाली लीड में आपको दो ऐसी ब्लैक लाइंस दिख जाएंगी एंड इसे आपको इस 3.5 mm ईयरफोन पोर्ट में लगाना है। एंड और अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको इसकी लोगो के साइड से वॉइस को रिकॉर्ड करना है। एंड पीसी में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए आप OBS या Audacity जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अपने माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो पहले की ही तरह अपने माइक को कंडेंसर 1 या 2 पोर्ट से कनेक्ट करके ईयरफोन्स को साउंड कार्ड के ईयरफोन वाले पोर्ट में लगा दो। देन इस 3 ब्लैक लाइन वाली 3.5 mm केबल को अपने फ़ोन और साउंड कार्ड के मोबाइल 1 पोर्ट से अटैच कर लो एंड डन। अब आपका माइक आपके फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है। बट इन केस अगर आपके फ़ोन में 3.5 mm का ये जैक नहीं दे रखा है तो आप ऐसे TRRS कनेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो एंड रिकॉर्डिंग के लिए आप डिजीमोर की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वायरलेस कनेक्शन की बात करें तो आप D440 माइक को अपने फ़ोन से वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो। बस आपको सिंपली साउंड कार्ड को पावर ऑन करके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, देन आपको माइक उधर शो हो जाएगा। एंड अगर आपको ब्लूटूथ में माइक शो नहीं हो रहा है, डैट मीन्स वो किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है। और अगर कभी आपको ऐसे लेपल माइक्रोफोन यूज करने की जरूरत पड़ी तो आप साउंड कार्ड के इस हेडफोन पोर्ट में अपने लेपल माइक्रोफोन को लगा के डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना। एंड हाँ, इस माइक को आप वॉइस ओवर के साथ साथ कैरियोके हाउस पार्टी में भी यूज कर सकते हो। बस आपको साउंड कार्ड को माइक से कनेक्ट कर लेना है और इस 3.5 mm केबल को ईयरफोन पोर्ट में लगा के स्पीकर्स में कनेक्ट कर देना है। अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो इस साउंड कार्ड में आपको 1 OTG पोर्ट के साथ 2 पोर्ट्स कंडेंसर माइक के लिए, 1 हेडसेट पोर्ट, 1 ईयरफोन पोर्ट और 1 पोर्ट बैकग्राउंड ट्रैक के लिए भी मिल जाता है। एंड फाइनली आपको इसमें 2 मोबाइल के पोर्ट्स भी मिलते हैं। इस साउंड कार्ड में आपको टोटल 6 नोब देखने के लिए मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी ऑडियो की ट्रेबल, रिवर्ब, माइक वॉल्यूम, बेस, बैकग्राउंड ट्रैक और मॉनिटरिंग साउंड तक सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको राइट साइड में एलिमिनेट बटन देखने के लिए मिल जाएगा जिसे यूज करते ही बैकग्राउंड से वोकल्स की आवाज सप्रेस हो जाएगी। फिर है ये डकिंग बटन जिसे दबाने के बाद अगर आप कुछ भी बोलोगे तो बैकग्राउंड ट्रैक रुक जाएगा एंड इसे आप बोलना बंद करोगे तो बैकग्राउंड ट्रैक ऑटोमेटिकली वापस से स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है डी नॉइज मोड जिसकी हेल्प से आप बैकग्राउंड की डिस्टर्बिंग नॉइज को इजिली रिमूव कर सकते हो। एंड लेफ्ट साइड में हमको काफी ज्यादा फन और इंटरेस्टिंग से वॉइस मॉड्यूलेशन मोड मिल जाते हैं जैसे प्राइमल साउंड, MC, कैरियोके, वॉइस चेंजर और इलेक्ट्रिक साउंड। इन्हें यूज करके आप अपनी रियल आवाज को मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरी नॉर्मल आवाज एंड अब मैं एक थोड़ा फनी सा वॉइस चेंजर यूज कर रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज थोड़ी डिफरेंस सुनाई दे रही होगी। एंड लास्टली नीचे की तरफ काफी सारे साउंड इफेक्ट्स के बटन भी हैं जैसे PUBG, गनशॉट, लाफ्टर, चीयर। तो भाई ओवरऑल बात करें तो माइक काफी ज्यादा फ्यूचर लोडेड आता है। एंड अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, हम ट्राई करेंगे उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने का।